हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रवि नारायण गुप्ता, आई एम ए फिल्म मेकर। प्रेजेंटली आई वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ सिंस 2012। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव कंग्रेचुलेशंस टू ऑर्गेनाइजर कलाम मंत्र फाउंडेशन हैदराबाद एंड धोली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भुवनेश्वर फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट फेस्ट एग्जीबिशन 2020। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल। वैसे तो मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ और मेरा जन्म 1975 में बरगढ़ जिला के एक छोटे से गांव में हुआ है। 12 की पढ़ाई के बाद मैं बीएफए एमएफए करने के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में दाखिला लिया और पढ़ाई पूर्ण होने के बाद में सन 2001 से 2004 तक चंडीगढ़ में रहकर कला शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद 2004 से मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में ललित कला संस्थान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ज्वाइन करने तक ये जो 4-5 साल का जो गैप था, संसाधनों की कमी की वजह से मैं इस माध्यम में ज़्यादा कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि प्रिंट मेकिंग एक पूर्णतः तकनीकी विधा है। इसमें संसाधनों तथा कार्यशाला की अति आवश्यक होती है, जो कि निजी तौर पर नहीं हो सकता। परंतु 2005 में मैंने अपने संरक्षण में स्क्रैप मटेरियल के यूज़ करके एक अपनी निजी एचिंग प्रेस तैयार करवाई और फिर इसी प्रेस पर मैंने अपने कार्य को धीरे धीरे पुनर्जीवित किया एवं पीएचडी भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में पूर्ण किया। ये मेरा दो उपलब्धि जो है झांसी यूनिवर्सिटी का देन है। एक तो मेरा मशीन प्रेस जिसमें मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें, और दूसरा मेरा पीएचडी का होना। प्रिंट मेकिंग में वैसे तो कई माध्यम होते हैं और मैंने सभी माध्यम में कार्य किया है, परंतु खासकर मुझे एचिंग माध्यम ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें मेरे विषय अनुसार पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखती है। और बात करें मेरे विषय की तो मेरे मन को अक्सर प्रकृति से जुड़ी चीज़ें छू जाती है, बस जाती है, और मेरे अंतःमन में इन्हीं में से एक नए संयोजन, एक नया दुनिया बन जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और गांव की प्रकृति और स्वभाव मेरे विषय में मुख्य रूप से नज़र आती हैं। और गाँव में सबसे ज़्यादा जोर होता है अंधविश्वास का, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और यही विरोध मेरी कार्यशैली में दिखाई देता है। मेरी इस कला यात्रा में ऐसे तो मुझे कई पुरस्कार से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, परंतु यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा कि पढ़ते वक्त मेरा पहला पुरस्कार मुझे उड़ीसा राज्य ललित कला अकादमी द्वारा प्राप्त हुआ था, जो कि मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल अचीवमेंट है। साथ ही इस पुरस्कार ने मेरे अंदर कार्य करने का एक
नया जुनून पैदा कर दिया, जिसके चलते आगे मेरे कार्य को देखते हुए मुझे जूनियर फेलोशिप एवं नेशनल स्कॉलरशिप HRD द्वारा न्यू दिल्ली से प्राप्त हुई एवं उसके उपरांत कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह नहीं, अभी वर्तमान में 2018 में मुझे कला जगत के सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार सेंट्रल ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली से भी प्राप्त हुआ है। ये थी मेरा छोटा सा कला यात्रा। अंत में पुनः मैं इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन के सभी सदस्यों को अनेक अनेक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नमस्कार।